अस्सलाम वालेकुम जी। दो तीन खबरों का अतकादी जायजा लेके आपको बताना है कि आप और मैं इस वक्त किस तोप के दहाने पे बैठे हैं, और वो तोप जो है हर लम्हे चलती रहती है, और आपको और मुझे इस तबाही और बर्बादी से जो अजहान के ऊपर, जो जहनों के ऊपर बनी हुई है, उससे बचना है। और ये तोप है मीडिया की तोप। तीन खबरें हैं, उनको मैं आपको, उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। एक खबर तो ये है कि पिछले दिनों और भी बहुत सारी खबरें जाली साबित हुई, जैसे कि वो जो था वो एक कीमतें बढ़ाने की जो खबर थी, वो जो उसने शेयर कर दी थी फवाद चौधरी ने, और बाद में वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो खबर थी वो शेयर की ना फवाद चौधरी ने, क्योंकि इसने इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो उन्हें बताया गया पैन उस लम्हे तक आपकी हुकूमत ही थी। वो उस खबर के बाद एक और खबर की तरफ आपकी तवज्जो का मुतकाजी होगा, और वो खबर है हमजा शहबाज की और शहबाज शरीफ की। अब उनके ऊपर जिस दिन मैं व्लॉग कर रहा हूँ उस दिन ही उनके ऊपर चार्ज फ्रेम होने के हवाले से नए अदालत के अंदर पेशी है। अब हमजा साहब फरमाते हैं कि ये वही केस है जिसको बरतानिया के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी में ने इन्वेस्टिगेट किया, और उन्होंने वहाँ की कोर्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की, और उसने हमजा शहबाज को और उनके वालिद साहब को टोटली एग्जॉनरेट कर दिया गया, बरी कर दिया गया। ये वही केस है जो हाईकोर्ट पहुँचा बेल के हवाले से, और बेल देते हुए जज साहब ने उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन दी या ऑर्डर्स दिए वो ये थे कि अब आप जो हैं वो एक आने की करप्शन भी जो है वो शहबाज शरीफ के खिलाफ साबित नहीं कर सके, तो इसलिए हमें बेल देना पड़ रही है। अब तक उस वक्त तक जो थी वो उनकी बेल हुई थी ना उस वक्त, अगर आपको याद हो। इसी तरह जो है इसके ऊपर जो है गुज़िश्ता तारीख़ समाअत के ऊपर क्या हुआ कि जो इसके प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने एक लेटर जमा करवाया, और उन्होंने कहा कि जी चूंकि नई हुकूमत आ गई है तो नई हुकूमत की इस सिलसिले में क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि उनको हायर किया था सनाउल्ला अब्बासी साहब ने, और सनाउल्ला अब्बासी साहब एफआईए के सरबराह थे। सनाउल्ला अब्बासी साहब की क्वालिफिकेशन मुबलक क्या थी वो तो आपको पता ही होगा, वो आपने उनकी अंग्रेजी से जान ली होगी, लेकिन जो उनकी क्वालिफिकेशन थी उसके तहत उन्होंने हायर किया था इन प्रोसिक्यूटर साहब को। उन्होंने कहा चूंकि मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ट्रांसफर हो गई है और नए आ गए हैं तो मुझे उनसे डायरेक्शन लेना पड़ेगी, तो लिहाजा इस मुकदमे में मैं शायद मुस्तकबिल के अंदर नुमाइंदगी ना कर सकूं, और मैं आज भी नुमाइंदगी नहीं करना चाहूंगा सरकार की, क्योंकि मेरे पास कोई ताज़ा डायरेक्शन हिदायत नहीं है। अब जब उनसे पूछा गया कि जनाब आपने ये लेटर क्यों कहा किया दिया, तो उन्होंने कहा जी मुझे जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन अफसर है उसने कहा था कि जरा ब्रेक पे पैर रख लो, गल इतनी सी, ठीक हो गई। उसके बाद जियो के पीरजादा साहब जो हैं उनको तो अल्लाह मौका दे, खानजादा साहब जो हैं उसको अल्लाह मौका दे, उन्होंने जनाब जाके सनाउल्ला अब्बासी को फ़ोन किया। सनाउल्ला अब्बासी ने फ़ोन सुना और तारुफ के बाद फ़ोन बंद कर दिया, और उसके बाद बात नहीं की। उन्होंने जो मौजूदा हैं एफआईए के जो सरबराह बने हैं ताहिर साहब, उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तो उनको डायरेक्शन नहीं दी कि आप जो है इस केस से पीछे हट जाएँ, जो कि मौजूदा बॉस है वो कह रहा है कि मैंने तो उन्हें नहीं कहा कि वो इस मुकदमे से पीछे हट जाएं। अच्छा जी, तो फिर किसने कहा? फिर उन्होंने जाकर उस प्रोसिक्यूटर को पकड़ा, प्रोसिक्यूटर से पूछा कि भाई जान आपने ये बात क्यों कही, तो प्रोसिक्यूटर साहब ने फरमाया कि चूंकि हुकूमत बदल गई है और बॉस भी बदल गया है, तो उन्होंने पता नहीं इस केस में प्रोसिक्यूट करना भी है कि नहीं करना, तो लिहाजा मैंने इसलिए ले ली थी। अब खबर क्या छपी और आपको क्या सौदा बेचा गया कि जनाब आते ही, हुकूमत आते ही शहबाज शरीफ ने प्रेशर डाल के एफआईए से केस विड्रॉ कर लिया, और मैंने अपने कल के दादा पोता शो में उसके अंदर जो था ये तबसरा भी कर दिया। मैंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि केस को मेरिट के ऊपर जाने देना चाहिए। वैसे भी जब हाईकोर्ट का आर्डर नैब के सामने पेश किया जाएगा कि भाई जान ये हाईकोर्ट ने अगर कह दिया है तो आपकी क्या औकात है, ठीक है, तो जज साहब जो हैं वो यकीनन हाई कोर्ट का आर्डर बाइंडिंग तो नहीं है लेकिन उससे इन्फ्लुएंस तो होंगे ना, हायर कोर्ट का आर्डर है ना, तो और फिर एक से ज्यादा जजेस का आर्डर है, सिंगल जज का आर्डर भी नहीं है, तो वो उससे इन्फ्लुएंस तो होंगे, ठीक है। नैब का जज होता है वो सेशन जज के लेवल का बंदा होता है, बल्कि उससे भी निचले लेवल के जज बंदा होता है,
और वो इंतजामिया के जरिए तमाम काम कर रहा होता है, वो अदलिया के जज से और वो भी फुल फ्लैज आईनी अदालत के जज से कैसे टक्कर ले सकता है, सीधी सी बात है। तो जनाब उसके बाद फिर उस पर तबसे चल पड़े और पीटीआई ने इस खबर को इतना तो पंडा लेके दौड़ पड़ी और पूरी दुनिया के अंदर हला 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 मच गई, ठीक है। हालांकि वो बात के सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है कि उसका जिक्र ही कोई नहीं है कि केस वापस ले लो यार, कमाल हो गया वैसे। तो खैर ये था। फिर एक और हुआ जी, शहबाज गिल साहब के बारे में एजाज सैयद साहब ने खबर फोड़ी है, और वो खबर ये है कि मुझे तो शहबाज गिल साहब के बारे में पता था कि मलाइशिया की किसी हल्की फुल्की यूनिवर्सिटी से उन्होंने अबलागियात के अंदर कोई डिग्री कर रखी है, पीएचडी की। पीएचडी के बाद एक साल का पोस्ट डॉक्टरेट भी होता है, तो ये एचईसी से खर्चा पानी ले के तो पोस्ट डॉक्टरेट करने अमेरिका गए थे और फिर वहीं पे जाके फिसल गए थे, वापस नहीं आए थे। तो जिस दिन ये एडवाइज़र या जो भी ये मुकर्रर हुए थे इमरान खान के हुकूमत आते ही, उस दिन इनका नाम एचईसी के ऊपर जगमगा रहा था। तो फिर आपको याद है ना कि पिंकी साहब, सॉरी साहब का खातून अव्वल कहना चाहिए, साहब का खातून अव्वल की हमशीरा मोहतरमा को स्पेशल ओहदा क्रिएट करके तो एचईसी के अंदर क्यों तकरार करवाया गया था, ये तो आपको याद होना चाहिए ना, है? तो वो जो है वो फिर उन्होंने मतलब आने के दूसरे या तीसरे दिन जो जोर शोर डाल के तो वहां से अपना नाम डिफॉल्टर्स लिस्ट में से निकलवा दिया। अब जो एजाज सैयद साहब ने एक शोकाज नोटिस एचईसी का जो है, मेरा ख्याल है कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी का या आईटीसी का जो है, वो सर्कुलेट हो रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, आप देख सकते हैं, वो उनकी मिसेज को जारी हुआ है। उनकी मिसेज जो है वो पीएचडी करने गई थी स्कॉलरशिप लेके, तकरीबन 99,000 डॉलर हैं वो, तकरीबन कोई अल्लाह आपका भला करे तो कोई 1,85,00,000 रुपये के करीब, 86 लाख रुपये के करीब बनते हैं वो, उनको स्टाइपेंड स्कॉलरशिप की शक्ल में मिले। जब वो ख़त्म हो गया उनका वो पीरियड, और उसके बाद भी वो वहीं पे मुकीम है, उन्होंने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट वक्तन फवक्तन अपने अदारे को आगाह करनी थी, नहीं की। उन्होंने अपनी रिसर्च की तफसीलात बतानी थी अपने अदारे को, जिनके खर्चे के ऊपर वो पड़ रही थी, नहीं किया उन्होंने। एंड फाइनली जब इनकी हुकूमत आई तो वो उस वक्त भी जेरे नोटिस थी मौसूफ ने, ये जो शहबाज गिल साहब जो हैं इन्होंने प्रेशर वेशर डाल के तो उस मामले को दबवा दिया। अब जैसे ही वो फारग हुए हैं तो एचईसी के अंदर बैठे हुए अफसरों ने वो कागज़ बाहर निकाला और दोबारा शोकाज नोटिस उस खातून को जारी कर दिया। वो पीआईडी गई करने गई हुई हैं जी, उनको 12वां साल है। अब नॉर्मली हमारे उस्ताद मोहतरम जो हैं वो डॉक्टर मुहसिन शेख साहब जो थे वो अल्लाह बख्शे एमफिल लीडिंग टू पीएचडी करने गए थे, यही वाली डिग्री, और मेरा ख्याल है कि वो 2.5 से 3 साल के अंदर, 3-3.5 साल के अंदर वो डिग्री करके और वापस भी आ गए थे। उन्होंने कुछ 1.5-1 साल के पैसे भी अपने यूनिवर्सिटी को, यानी कि उस वक्त यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता था, उसको भिजवा दिए थे कि ये जनाब बच गए हैं, ये पैसे ले लीजिए। लोग जिन्होंने करना होता है और आके वतन की खिदमत करनी होती है, सच्चे लोग, सुच्चे लोग जो होते हैं वो ऐसे करते हैं। और जो दो नंबर होते हैं, सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इस शख्स के लिए इससे कम लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसका नाम शहबाज गिल है। यानी आप भी जालसाज़ा और बेगम भी भगोड़ी, और ये कितना उछल उछल के भगोड़ा भगोड़ा कहता फिर रहा यार लोगों को, तो याद कीजिए फिर खाकसार की वो बात फिर याद आ जाती है यार, की कह बैठा मैं, की कह बैठा कि लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये वारदातिये कर रहे होते हैं, आप समझिए कि उस वक्त ये उसका इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रहे होते हैं। आजकल ये गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं दूसरों के ऊपर, तो सोच के तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि इस लम्हे मौजूद के अंदर ये गद्दारी कर रहे होंगे और कर रहे हैं। और फिर वो खबर निकाल के पढ़ लीजिए जो इन्होंने आईएसआई चीफ के दौरा अमेरिका के बारे में ना सिर्फ के लीक की है बल्कि सर्कुलेट की है। यार इंडिया का मीडिया उस खबर को क्या पीटता जो कि पीटीआई के अनऑफिशियल मीडिया ने उसको पिटा है। और इस पिटने की बुनियादी वजह यह है कि जब इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने यूसी लेवल के ऊपर अपने चूना जात को ऑर्गेनाइज कर दिया हुआ है, और उनके जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको ब्लू टिक करवा लिया हुआ है।
अब ब्लू टिक के जरिए, मतलब ब्लू टिक से जो ट्रेंड चलता है, ब्लू टिक वाले जो अकाउंट्स होते हैं, वो जो अकाउंट चलाते हैं वो अगर ट्रेंड बनाना चाहें तो अगर वो 10-10 पोस्टें करें तो उसके मुकाबले में जिनका ब्लू टिक नहीं है वो अगर 1000-1000 पोस्टें करें तो एक बराबर उसका वजन होता है ट्रेंड बनाने के ऊपर, इसलिए आपको पता तो चल गया होगा। इन्होंने केपीके के अंदर ज्यादा फोकस किया, वहां पे बड़े ग्रास रूट लेवल तक इन्होंने अपने कारकुनों को गवर्नमेंट का कोई ना कोई अफिलिएट या मुलाजम शो करके उनके अकाउंट ब्लू करवाए, ठीक है। तो वो वाला मामला जो है वो उसकी बायस उसकी वजह से ये डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। बाहर ये तादाद में इतने नहीं होते, ठीक है, लेकिन आपको महसूस होगा यार अभी इन्होंने ये वाला ट्रेंड भी बना लिया, ये भी बना लिया। इसके बावजूद आप अंदाजा करें कि गुज़िश्ता कई दिनों से इनको ऊपर नहीं आने दिया जा रहा, तो इससे आप अंदाजा करें इनसे नफरत और इनसे इनके मुखालफीन की तादाद कितनी है इस सोसाइटी के अंदर। ये जालसाज लोग हैं, ये वारदातिये हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मीडिया से खेल रहे हैं और आपके अजहानों कलूब को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से खेलने की एक और भी बात जो है वो पिछले दिनों मैं आपको अगर बता पाऊं, हाँ असल खबर थे रहती बरतानिया में नवाज शरीफ के घर के बाहर इस्तेजाज करने वाला एक यूथिया पकड़ा गया, ठीक है। उसके बारे में जब हमने उसकी खबर ट्विटर पे लिखी तो नीचे एक साहब ने आकर लिखा कि ये मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है, मैं इसको फैमिली को जानता हूँ, इनके 8 से 9 लोग हैं वहाँ पे, सारे के सारे 2 नंबरी से गए हुए हैं और 2 नंबर स्टेटस में ही रह रहे हैं, इसका स्टेटस भी जो है वो क्लियर नहीं है, ये भी वहाँ पे 2 नंबर स्टेटस पे कुछ चूटी सची दरखास्त डाल के तो बैठा हुआ है, स्टे वटे लेके पीसी वगैरह से की किया था। और इनका तरीका वारदात यही है, इसी अगर इन्हें कोई कह दे, अगर अमरीका बरतानिया का सफीर घर आके कहे कि यार मैं आपको वीज़ा देता हूँ लगा के, तो आप लीगल तरीके से चले जाओगे तो नहीं जाओगे, ठीक है, वो वाला पासपोर्ट फाड़ के बैठ गया, उन्होंने जाना 2 नंबर तरीके से ही। तो ये वो वाला कहना, उसने कहा पूरा खानदान पहुंचा हुआ है एक ही जगह में, 2 कमरों के फ्लैट में शायद रहते हैं और काम करते हैं और पैसे वापस भेजते हैं, दुआ करें कि वो बाकियों का बेड़ा गर्क ना करवा दे, ये पुलिस को स्टेटमेंट दे के जिसके के वाजे और ज्यादा इम्कान मौजूद हैं। मुर्तजा अली शाह ने उस यूथिए के स्पॉट होने की और गिरफ्तार होने की जो वीडियो जारी की है, मैं कोशिश करूंगा कि इसके आखिर में आपको वो भी दिखाई जाए अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो। ये है जी टोटल इनकी औकात और ये है टोटल इनका करेक्टर, और ये आपको और मुझे बैठ के इस सोशल मीडिया के ऊपर गालियां बकते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लू टिकिए हैं और ये जिन्होंने जाली ब्लू टिक्स लिए हुए हैं, मेरा मुझे हैरत होती है यार मरियम औरंगजेब जैसी खातून के ऊपर कि वो क्या कर रही है भाई। उन्होंने ये ब्लू टिक अपने जो ये वाले थे ये ऑथराइज करवाए थे ट्विटर से कि ये जनाब एम्प्लॉयज अपना उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिक्लेयर करके ना अफिलिएशन उसकी शो करके, तो अब उनकी सोशल मीडिया टीम सारी बाहर है। तो एक लेटर जाना है मरियम औरंगजेब साहिबा, आपका एक लेटर जाना है ट्विटर के इंतजामिया को कि ये जितने भी लोग हैं जिनको आपने गवर्नमेंट के हवाले से ये ब्लू टिक दिए थे, इसके अंदर शहबाज गिल भी शामिल है, इनका ये वाला स्टेटस खत्म हो गया, इनसे ये चीजें विड्रॉ की जाए, ये आपका सिर्फ एक लेटर जाना, ठीक है। लिस्टें इनकी आपको अपने किसी ना किसी सिस्टम से मिल जाएंगी, और जो जिन लोगों ने उनकी नौकरी छोड़ के सरकारी नौकरी में रहने के लिए आपके साथ रहना कबूल किया है उन्हीं से पूछ लें, वही आपको तरीका बता देंगे। तो इनके ब्लू टिक खत्म करवाएंगे तो ट्विटर से इनकी डोमिनेंस खत्म होगी, ठीक है। बस यही मैंने मरियम औरंगजेब साहिबा को ये पैगाम देना था, अगर उन तक ना पहुंच सके तो कोई और पहुंचा दे तो उसकी मेहरबानी होगी। ये छोटा सा काम तो कर देना यार आप, मेरा मतलब है और आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये काम तो कर दीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खलके खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।